हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने फिर से न्यूमरोलॉजी का टॉपिक लिया है कि एज पर न्यूमरोलॉजी विच अल्फाबेट लेटर्स इज लकी इन न्यूमरोलॉजी। अल्फाबेट्स लेटर कैलियन सिस्टम में आपको जैसा कि मालूम है नंबर 1 to 8 है। पैथोगोरियन सिस्टम में नंबर 1 to 9 है, क्योंकि प्लैनेट्स 9 है तो 9 प्लैनेट्स को मान लिया गया है। बट कैलियन सिस्टम जो बहुत पुराना सिस्टम है, आप कह सकते हैं है ना, बुद्धा के टाइम का सिस्टम कह सकते हैं, उससे भी पुराना है। बेबीलोनियन सभ्यता जब आया था उस टाइम से इसको बेबीलोनियन सिस्टम भी कहा जाता है, है ना, बेबीलोन का सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें 8 नंबर ही लिया गया रिसर्च करके, जो उस वक्त के एंशियंट एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट है उन लोगों ने उसको रिसर्च किया। गूगल सर्च में ये चार्ट आपको आसानी से मिलेगा, सबके लिए है, रिसर्च किया हुआ है, बहुत सटीक है। हम लोग यही फॉलो करते हैं, इंडिया में 80% न्यूमरोलॉजिस्ट यही फॉलो करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग पैथोगोरियन सिस्टम फॉलो करते हैं और वहाँ कैलियन सिस्टम भी चलता है, बट हमारे यहाँ 80% न्यूमरोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मी, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, सब चीज़ इसी के बेस पे करता हूँ। और सारा प्रेडिक्शन राधे राधे कृपा से देख लीजिए, 111 प्रेडिक्शन मैंने साबित कर दिया 10 महीने के अंदर कि मेरा 111 प्रेडिक्शन 100% सही हो चुका है। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर, अल्फ़ाबेट्स अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, है ना, तो आप लोग बोल देते हैं 26 अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, 26 लेटर्स होते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट एक वर्ड है, अल्फ़ाबेट ये एक है नंबर 1 है, एक ही है। इसमें लेटर्स होते हैं जिसमें 5 वॉल्स होता है, जिसको भावेल बोलते हैं आप लोग, उसको वॉल्स कहा जाता है, कटपना से AEIOU। और 21 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, वॉल्स को स्वर कहा जाता है, ठीक है, उसको लेटर्स कहा जाता है, इसलिए उसको अल्फ़ाबेट लेटर्स कहा। ये अल्फ़ाबेट लेटर्स है जिसको कि कैलिन सिस्टम में इस तरह से दिया गया है। इसको लोग सैलिन सिस्टम भी कहते हैं, कोई टैलिन सिस्टम भी कहते हैं, बहुत सारा नाम से लोग प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कैलिन सिस्टम, इसमें ये दिया हुआ है। अब इस कैलिन सिस्टम में 1 to 8 तक में वो 4 है ना, जो नेम लकी न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स, कौन सा है जिसमें कि बहुत प्रतिभाशाली लोग हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, वो लोग वैसे लोग बहुत प्रतिभाशाली जिनका नाम उस नंबर से शुरू होता है, उस लेटर से शुरू होता है, बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत लकी लोग हैं। 80% केसेस में आप कह सकते हैं वैसे लोग जिसका अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो लोग बहुत है ना भाग्यशाली हैं, लकी हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, जिसका उस लेटर से का नाम शुरू होता है, उसकी उनकी कंपनी का नाम शुरू होता है ना, वैसे लड़के लड़कियाँ जेंट्स लेडीज़ जो भी है बहुत प्रतिभाशाली भाग्यशाली लकी माने जाते हैं और बढ़ चढ़ के दे पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका नाम नहीं आएगा, जो नंबर इसमें नहीं आएगा अल्फ़ाबेट लेटर्स का, मतलब वो नहीं कि वो ख़राब, ऐसा कुछ नहीं। 20% कैटेगरी में वो भी आते हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, है ना, जैसा कि मैंने पहले कहा 2, 4, 7, 8 वाले लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में 20% ही हैं, लेकिन वो इतने अमीर लोग हैं जो कि 80% लोगों के इक्वलेंट हैं, इसीलिए उन लोगों का अंडरएस्टिमेट नहीं करना। इससे पहले मैं अब ये बताऊँ, इससे पहले मैं अपना बता दूँ कि ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स 3 जुलाई से मैं शुरू कर रहा हूँ बिगनर्स के लिए, एकदम जो उसको शुरुआत से सीखना है। ₹6,999 फीस है, पैसा एडवांस में जमा करिए, रसीद लीजिए, सीट बुक कराइए, क्योंकि 33 सीट है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेगा 10 से 11:30 के बीच रात को, है ना, अभी भी देरी नहीं हुई है, सिर्फ 33 सीट्स है। और जिसको जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं एक्सपर्ट के लिए, उनके लिए भी हर संडे को एडमिशन ओपन है, आप लीजिए। आपके लिए इंटर्नशिप Type 1, Type 2, Type 3 और बिगनर्स के लिए इंटर्नशिप जो Type 1, Type 2, जो मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट देता हूँ, अगर उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप Day 1 से न्यूमरोलॉजिस्ट कहोगे और घर बैठे मान सम्मान के साथ मिनिमम लाखों रुपये पर मंथ कमाने का इससे बेस्ट मैंने तो कभी इस पार्ट को सीरियसली लिया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, है ना, इसीलिए मैं बहुत पीछे रह गया। बट राधे राधे कृपा से मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूँगा और रेस्ट इज हिस्ट्री पे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ क्या है ना। इससे पहले कि मैं अपना 24 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को सोचिए 2 महीने के अंदर है ना देने जा रहा हूँ, 24 दिन के अंदर देने जा रहा हूँ, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। अभी भी देरी नहीं हुई है, न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए, ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एज ए बिगनर या तो एज ए एक्सपर्ट, दोनों ही कोर्सेज चल रहा है, दोनों वीडियो दिया होगा देख लीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप है ये नंबर है, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, PDF मांगिए, मुझसे बात करिए, है ना, समझने की कोशिश करिए। और पेड कंसल्टेंसी न्यूमरोलॉजी कराना ज़रूरी है और एस्ट्रोलॉजी एक साथ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक साथ कराना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये चाय या कॉफ़ी नहीं है कि चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी पी लिए, कॉफ़ी मिली तो चाय पी लिए। अब पूरे परिवार का न्यूमरोलॉजी कराना है जिससे कि पूरे घर का वाइब्रेशन एक जैसा हो और अपने भाग्य को रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है।
भाग ही कर्म करवाते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाग में जान लो क्या पढ़ना लिखा है, डॉक्टर बनना लिखा है, इंजीनियर बनना लिखा है, आईएएस बनना लिखा है, बिजनेसमैन बनना लिखा है, उसके हिसाब से फिर सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माध्यम मैं बनूंगा और ब्लेसिंग्स राधे राधे का मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एक साथ करानी चाहिए, एफोर्ड कर सकते हो एक साथ कराओ, नहीं तो वन बाय वन भी करा सकते हो। अभी भी देरी नहीं हुई है। और क्यों करानी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही आपको ये फील हो कि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, डेली इनकम की कमी है, कांस्टेंट इनकम की कमी है, आपके पास अभी तक कोई साइकिल तक नहीं होगा, लैपटॉप तक नहीं होगा, घर भी नहीं होगा, कार नहीं होगा, स्कूटर नहीं होगा, बाइक नहीं होगा, हवाई जहाज में नहीं सफ़र कर पा रहे होगे, ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहन पा रहे होगा, होटल में अच्छे होटल में रेस्टोरेंट में नहीं खा पा रहे होगे, बार बार जॉब छूट रहा होगा, बार बार प्लेस चेंज हो रहा होगा, सीनियर जूनियर बन रहा है, ना जूनियर सीनियर बन जा रहा है, इंक्रीमेंट प्रमोशन सब रुका पड़ा है, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, मैरिज इशूज़ आ रहा है, मैरिज प्रॉब्लम, बीवी बच्चा आपका बात नहीं मान रहा है, हेल्थ इशूज़ आ रहा है, एंग्जाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से फिसल रहा है। इसका मतलब है कि आज भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम का अनफ्रेंडली है, एनेमी है, दुश्मन नंबर पे है। जब तक नेम न्यूमरोलॉजी नहीं कराओगे, स्वर्ग का सातवां दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब भाग्योदय नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। इसीलिए पेड न्यूमरोलॉजी या पेड एस्ट्रोलॉजी करानी, क्योंकि फ्री या सस्ती चीज़ कभी किसी को फलित नहीं होता, ना प्यारी होती ना वैल्यू होती है। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लो, एज ए बिगिनर या तो एज एक्सपर्ट, एज एन एक्सपर्ट आप, नहीं तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी कराओ और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी कराओ, अपने भाग्य को रॉकेट की तरह आगे ले जाओ जीवन में 100% सुख शांति सामग्री के साथ। अब चलिए बताते हैं कि विच अल्फाबेट लेटर से लकी न्यूमरोलॉजी। वैसे लोग जिनका नाम शुरू होता है उस लेटर से, है ना, बहुत भाग्यशाली, प्रतिभाशाली, बलवान, लकी माने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 80% लोगों की संख्या वैसे लोगों की संख्या है जिसका नाम उससे शुरू होता है। आप खुद महसूस कर लेंगे, आजू बाजू नज़र उठा कर दौड़ देखिए, गूगल में सर्च मार के देखिए, मैक्सिमम लोग आपको उसी नेम नंबर से मिलेंगे, चाहे तो उनकी कंपनी का नाम उस पर है, या तो उनका खुद का नाम है, या उनके घर में किसी का ऐसा नाम जिसके ऊपर वो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो उनको खूब फलता फूलता है, है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेडीज हो जेंट्स हो, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, जो सबसे भाग्यशाली लेटर्स माना जाता है, वो है नेम नंबर वन, है ना। ए आई जे क्यू वाई से रिलेटेड जितना भी, स्पेशली ए वाला, तो सब लोग, मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे, भाग्यशाली लोग मिलेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, ए नंबर में ज़बरदस्त पावर है। सूर्यदेव का नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, करियर प्लानिंग एंड सक्सेस का नंबर है, तो नेचुरली नंबर वन जो है, इसमें सारे नंबर है, ऐसा नहीं कि खाली ये, सारे नंबर वाले लोग बड़ा प्रतिभाशाली, भाग्यशाली, लकी माने जाते हैं। और मैं फिर से कह दूँ, जिस नंबर को मैं नहीं बताऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग्यशाली प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वो भी हैं, वो भले ही 20% कैटेगरी में हैं, लेकिन वो 20% कैटेगरी 80% के इक्विवेलेंट आ जाता है, क्योंकि 2-7-4-8 वाले जितने भी लोग हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हैं, 800 करोड़ पॉपुलेशन में 20% लोग इतने अमीर हैं, वो इक्विवेलेंट 80% हो जाते हैं, जो 1-3-5-6-9 वाले होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में ये रिसर्च करके हमारे पुराने एंशियंट लोगों ने, पुराने हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर लोगों ने इन सब चीज़ों को दिया, ये मेरा रिसर्च किया हुआ नहीं है, बट मैंने भी कुछ चीज़ों पर बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है, ऑब्जर्व किया है, और उनका जो दिया गया है वो सच में सही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं इसको बना के भी दे रहा हूँ, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, एक भी वीडियो कट कॉपी पेस्ट आपको किसी का नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मैं बार रिसर्च करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ, तब जाकर आपको वीडियो बना कर देता हूँ, मतलब ऐसे फालतू वीडियो बना कर नहीं देता। उसके बाद KBR, है ना, KBR आप देखते, एक ऐसे आप देख भी करते हैं, अडानी साहब का नाम सब लोग अब जानबे करते हैं ना, KBR में रतन टाटा जी का नाम आप लोग जानते हैं, KBR से रिलेटेड नंबर 2 से रिलेटेड जिसका भी नाम होता है, वो भी बहुत भाग्यशाली, प्रतिभाशाली, बहुत लकी नंबर माना जाता है, है ना। उसके बाद नंबर 3 CGLS से जिस रिलेटेड जितना नंबर 3 वाले लोग जितने हैं, इनको भी बहुत प्रतिभाशाली, भाग्यशाली, बलवान, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे अपना खुद का नाम हो, चाहे घर में जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा उसका नाम हो, वो सब बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। और लड़कियां स्पेशली अगर इस नाम से होती हैं, तो उनको ससुराल में भी बड़ा प्यार मिलता है, पति के भी बहुत करीब होती हैं, पति की बहुत प्यारी होती है, लाडली होती हैं, है ना, ससुराल में भी बहुत लाडली माना जाता है, मम्मी पापा का भी बहुत लाडली होती है, बहुत सा फीचर्स है इन सब नंबर्स का, जब देखिएगा आसपास आजू बाजू आँख उठा कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद नंबर 4 DMT, एकदम सीरियली से नंबर 1, 2, 3, 4, है ना। और उसके बाद जो रेस्ट नंबर है ये आपका, ये सब हमारा 20% कैटेगरी में है, जो बहुत भाग्यशाली होता है, भले परसेंटेज कम है लेकिन बहुत भाग्यशाली, इक्विवेलेंट टू 80% के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस नंबर को कम नहीं आंकना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जो भी इस नंबर में है बहुत भाग्यशाली है, ऑलरेडी ज़बरदस्त है, वो इक्विवेलेंट टू 80% में आता है,
और ये लोग जो है 80% कैटेगरी में सब आता है, चारों नंबर वो नंबर 1 2 3 4 चारों मिला के 80% बनता, सोचिए तो आप समझ सकते हैं है ना। इन नंबर को अल्फ़ाबेट लेटर्स कहा जाता है, लेटर्स मतलब ए टू जेड लेटर्स होता है, वो अल्फ़ाबेट नहीं होता, अल्फ़ाबेट ओनली वन वर्ड दैट इज अल्फ़ाबेट। और उस अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, उस 26 लेटर में 5 ए ई आई ओ यू स्वर होता है जिसको हम लोग वॉल्स बोलते हैं, वॉवल जिसको आप लोग बोलते हो, और 21 जो है कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, चाहे कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो चाहे कमेंट के रूप में हो। और अभी फिर से रिवाइज करा दूँगा, 3 जुलाई से न्यूमोलॉजी ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स बिगनर्स के लिए शुरू हो रहा है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन क्लासेस मिलेगी, रात को 10 से 11 साढ़े 11 बीच में उसको क्लासेस को मैं 9 से शुरू सोच रहा हूँ करने का, 9 बजे से, सो दैट 9 से 11 हो जाएगा आप लोगों को, और भी सुविधा हो जाएगा आप लोगों को है ना। और एक्सपर्ट के लिए कोई भी संडे एडमिशन ले सकता है एक्सपर्ट वाला, क्योंकि वो न्यूमोलॉजी बेसिक प्लस बेसिक भी सिखाया जाएगा, जो अनलर्न करवाया जाएगा जो भी आपने सीखा है सही अगला जो भी, उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 वाला जो सर्विसेज मैं देता हूँ उसके ऊपर इंटेंसिव कराया जाएगा, आपको पूरा मास्टरी हासिल करवाया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट के रूप में मास्टर ऑफ न्यूमोलॉजी मिलेगा एक्सपर्ट को, आप बिगनर को मिलेगा एज पर द क्वालिफिकेशन है ना, आपको सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।